रात को बहुत तेज बारिश हुई थी। ये देखें जी हमारी हवेली में कितना कीचड़ हो गया और हमारी बकरियों का जो सा घर था ना वो भी गिर गया। आपको भी दिखाता हूँ मैं कहाँ से गिरा है। ये देखें सारे का सारा आगे से गिर गया। अब्बू जी अब उठा रहे हैं, बारिश का पानी ऊपर खड़ा हो गया ना तो आगे को सारा गिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर सिद्धू। तो ये देखें जी हमारी बकरियों का घर सारा ही टोटली आगे से टूट गया हुआ है। मैंने पिछली वीडियो भी कहा था कि हम अपनी बकरियों का न्यू घर बनाए कि ना बनाए, आपने कमेंट में बताया नहीं था कि बनाए कि ना बनाए। तो बहुत मौसम खराब था तो हमारा न्यू घर बनाने से पहले ही देखे आगे से कितना टूट गया हुआ है। मुझे भी बहुत टेंशन लगी हुई है और चाचू जी की भी बहुत टेंशन लगी हुई है। अब पता नहीं बकरी को कहाँ बंद किया करेंगे। अभी अब्बू जी जुगाड़ लगा रहे हैं, देखते हैं ये जुगाड़ कब तक टिकता है। जब तक टीका रहेगा तो तब तक हमारी बकरियाँ भी सेफ रहेंगी। तो अभी अब्बू जी को तंबूरियाँ लड़ने लग पड़ी थी पीछे से। अब्बू जी इसको अब इधर ही सेट करते हैं, जब मौसम ठीक होगा ना, बारिश वाला मौसम ना होगा तो फिर इसको न्यू बना देंगे सारे को तोड़ के। अभी फिलहाल इधर ही ऐसे सेट कर देते हैं क्योंकि फिर बारिश आ गई ना तो फिर खराब हो जाना है। जाने देखे कितने कट्ठे हो गए हैं। चाचा पेंडू की बकरी का घर गिर रहा तो जाने देखने के लिए आ रहे हैं। इधर डंडा लाओ इधर ले नू। ओए उन वहाँ यार इधर डंडा लाओ इधर नू। उन का थले हूँ। उन का रोड बाम इससे। आए। खैर है इधर आने वाली है। चलो जी। हाँ देखे कितने गंदे हो गए हैं। वो दीवार गिर जानी है। वो किधर जा रही हो? बकरियों का भी बाहर आने का दिल कर रहा है। अब मुझे आज बहुत गुस्से में है।
खींचे हो जाओ। राजू जी जो पैसे बटवे कटेगी है ना वो निकालने नहीं बनाए हैं। हाँ ये तो बकरियां सेल कर देती हैं। चाचू ने पैसे निकालने ये गिरे तो गिरे। चलो और ये जगह साफ करती हैं बकरियां सेल करके मकाते हैं काम बेच देते हैं। हाँ इधर स्विमिंग पूल बनाते हैं बेच दें। अब नहीं बोलना। चलो शुगर लग गया नहीं बनाया गया नहीं बनाते हैं चलो सब टेंशन नहीं लेनी कोई बात। चलो चलो धूप निकलने लगी है। लकड़ी की सपोर्ट नीचे लगा दी है तो अब मौसम ठीक होने की देर है। जब मौसम ठीक हो जाएगा ना फिर इसको पक्का कर देंगे। ऊपर से क्लीन भी हटा दिया वो पीछे कर दिया क्लीन। तो अबू जी दूसरी लकड़ी भी लगाने की सोच रहे हैं। आप बस दुआ करें कि जब तक बारिश आ रही है ना तब तक ये हमारा जो हमने सेंस लगाई है ना ये टिकी रहे। जब तक बारिश खत्म हो जाएगी ना फिर हम ये सेंस उतार के फिर अपना न्यू बना देंगे बकरियों का घर। तो फिर चाचू जी भी खुश हो जाएंगे हम भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। अभी सारी बकरियां बाहर निकाल के बाहर बांध रहे हैं क्योंकि बस इसका डर है कि ये ऊपर से गिर ना जाए सारी बकरियां ना नीचे आ जाए। देखिए अबू जी अंदर ही लगे हुए हैं अभी भी सेट करने के लिए। हमारे रैबिट्स के काम चेक करें। बारिश आई थी ना तो ठंडी जगह हुई है ठंडी जगह पे लेटे हुए थे तो वो वाले रैबिट को क्या हुआ है अभी अंदर जाके देखते हैं इसको क्या हुआ। दूसरे तो अच्छे बने हैं उसको पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं ये वाले रैबिट को क्या हो गया मर गया हुआ है। बाकी तो अच्छे बले घूम रहे हैं तो इसको क्या हो गया। मैं अपने रैबिट की बहुत सारी केयर करता हूँ इनको ताज़ा ताज़ा ला के चारा डालता हूँ हरा हरा ताज़ा ताज़ा चारा डालता हूँ पानी भी डालता हूँ तो इनकी रोज सफाई करता हूँ। तो पता नहीं इनको क्या हो गया हुआ है पता नहीं क्या हो गया इनको। मुझे तो लग रहा कोई बीमारी लगी हुई है या फिर कुछ हो रही है। हमारा पतलू भी अब बाहर जाने लग पड़ा अभी यहाँ पे रैबिट को दफना देते हैं। चलो जी अपने रैबिट को मैंने दफना दिया। मैंने तो कहा था कि 100 अपना रैबिट कंप्लीट करूंगा। सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश थी तो हमारे मास्टर केज के अंदर पानी भी बहुत गया हुआ था। मेरे पिजन्स भी बहुत ठंडे हो गए थे मेरे डक्स के बेबीज बहुत ठंडे और मेरे रैबिट्स के बेबी रैबिट्स भी बहुत ठंडे हो गए थे। रैबिट्स के घर में भी पानी गया था तो इधर भी पानी गया था। अपनी मुर्गी को बाहर निकाला तो मौसम चेक करें कितना साफ हो गया। बादल सारे उठ गए हैं तो सूरज निकल के आ गया बाहर। खैर धूप लग जाएगी ना तो अंदर से खुशक हो जाएगा हम ताज़ा पानी तरोंक देंगे अंदर। बारिश के अंदर हमारी मंकी ने भी फुल इंजॉय किया ये भी नहाई थी। अपनी बकरियों का घर देखे हमने सारा मुकम्मल आगे से मिट्टी लगा के टोटली प्लास्टर कर दिया। हमने कहा थोड़ा सा हम जुगाड़ लगा देते हैं क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब था तो मगर अब थोड़ी सी धूप निकली है तो मौसम साफ हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि हम अपनी बकरियों का न्यू घर बनाए कि ना बनाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि न्यू घर बना ही देते हैं क्योंकि चाचू जी की इतनी लाडली बकरी हैं इतने शौक से रखी हुई हैं तो इनका खुला करके इधर ही घर बनाएंगे तो वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो ये भी कमेंट में बताना कि आपको मेरा लोग कैसा लगा। लोग अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना और अमित सिद्धू के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट लोग सुबह। तो अमित सिद्धू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।